हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रेखा आपको स्वागत करती हूँ मेरी और एक वीडियो में, रेखा ब्लॉग में, और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तो आज ऐसे ही मन में ख्याल आया, जब हम पेरेंट्स बनते हैं ना, तब बच्चे लोग की मैंने बचपन से ही जब हम मैंने कॉन्सिव होते हैं, कॉन्सिव से लेके डिलीवरी तक वो एक अलग फेस होता है। डिलीवरी के बाद बच्चे को बड़ा करना वो एक माँ के लिए बहुत टफ काम बन जाता है। और तब हम एक एक बार सोचते हैं, जब बच्चे परेशान करते हैं तो सोचते हैं कब बड़ी होगी, और देखते ही देखते बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि उसके बाद उन लोगों का एक, जैसे बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चे हाँ छोटे हैं और होगा, और बहुत दिन है बड़े होने के लिए, और बहुत दिन है बड़े होने के लिए। फिर वो प्राइमरी सेक्शन से ये स्कूल हायर सेक्शन जाते हैं, फिर बड़े होते हैं, और उन लोगों का एक ऐसा टाइम आता है जब हर पेरेंट्स को बच्चे लोग अपना माने फ्यूचर सेट करने के लिए हमको उनको छोड़ना पड़ता है। तो बहुत ही ख़राब लगता है। ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का कल बर्थडे है, तो कल वो ऐसा माने इतना दिन में वो पहली बार मैं उसके साथ नहीं हूँ, वो अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी के पास है। तो वो चीज़ मुझे अभी थोड़ी टाइम के बाद उसका बर्थडे आ भी जाएगा, तो मैं वीडियो के माध्यम में मेरी बेटी को बोल रही हूँ कि हैप्पी बर्थडे बेटा, तू जहाँ पे भी रहे अच्छे रहे, तेरा फ्यूचर के लिए हम लोग तुझे, तेरा फ्यूचर तू मैंने मेरे पास से छोड़ के, बड़ी मम्मी भी मम्मी हैं, तो ऐसा कुछ दिल पे नहीं लेना और अच्छे से एंजॉय करना बर्थडे, भले ही हम लोग तेरे पास नहीं हैं, लेकिन हमेशा ब्लेसिंग्स रहेगी। और जिस मकसद के लिए तू बाहर रही है, जिस मकसद के लिए मैंने तुझे छोड़ा है, तो वो मकसद को हमेशा ध्यान में रहे। तेरी बर्थडे आने वाली है, और तेरे बर्थडे में मुझे, मैं तुझे यही मैसेज करूँगी कि इतना काबिल बन कि हम पेरेंट्स को फ़ख्र हो, क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं। हर पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को अलग करने का किसी का भी इंटेंशन नहीं होता, सब लोग बच्चे अच्छे रहें, उनका भविष्य बने, इसीलिए हमको छोड़ना पड़ता है बच्चे लोगों को। तो वो चीज़ हर बच्चे को भी मैं इसी के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ कि तुम लोग कभी भी ये नहीं सोचना कि हमको मम्मी पापा ने छोड़ दिया, नहीं। तुम लोग आगे जाके जो स्ट्रगल आज के ज़माने में, जैसे एक आदमी को एक खर्चा, एक घर, एक परिवार चलाना पड़ता है, तुम लोग आज अकेले हो, कल तुम लोग भी परिवार बनाओगे, बहुत दिन के बाद तुम्हारा भी फैमिली बनेगा, उसके बाद तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। जब एक इंसान शादी कर लेता है उसका थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। उसका प्रोफेशनल लाइफ प्लस उसका माने पर्सनल लाइफ दोनों ही बहुत टफ हो जाता है एक इंसान को दोनों बैलेंस करके चलने के लिए। इसीलिए जब आजकल, पहले तो हम लोग के टाइम में हमारा जैसे शादी हुआ तो हाउसवाइफ तो ऐसे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आजकल बोथ, दोनों माने दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब होल्डर होने से वो घर थोड़ा स्मूथली चलता है। तो ये चीज़ तो किसी से पहले भी बहुत जन, जैसे मेरी सासू माँ पहले ये की है, लेकिन वो जॉब करते थे, लेकिन मैं जो हाउसवाइफ थी, तो ये सब चीज़ को ना हम लोग बहुत देखते हैं, और अभी वो चीज़ बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जैसे जैसे खर्चा बढ़ रहा है, जैसे जैसे बच्चे का एजुकेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही खर्चा बढ़ रहा है। तो इसी वजह से एक हर पेरेंट्स जो हम लोग नहीं कर पाते, वो हम अपने बच्चे पे ढूंढते हैं कि नहीं, जो हमसे नहीं हुआ वो हमारे बच्चे कर ले। तो इसी वजह से हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर छोड़ता है उसका हायर एजुकेशन के लिए, बच्चे को जो ठीक लगे, बच्चे जिस लाइन में, 10th 12th के बाद बच्चे का एक लाइन सेट हो जाता है कि मुझे ये लाइन में जाना है। कोई बोलता है मैं LLB करूँगा, कोई बोलता है मैं कॉमर्स लाइन में जाऊँगा। तो ये सब चीज़ उस टाइम में पेरेंट्स हम लोग राजी होते हैं और बच्चे को अपना फ्यूचर बनाने के लिए उसको बाहर छोड़ते हैं। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे से वो अलग हो, लेकिन जो 5-10 साल के बाद वो जब निखर के आते हैं तो उनको वो एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन भी जाते हैं, एक रेस्पॉन्सिबल बच्चे बन जाते हैं, प्लस उसके साथ वो लोग अपने पैरों पे खड़े भी हो जाते हैं। तो यही है बात है। तो इसी वजह से कोई भी बच्चा दिल पे नहीं लो कि हमारे पेरेंट्स ने हमको अलग कर दिया, नहीं, वो तुम्हारे हर कोई पेरेंट्स तुम्हारे भले के लिए तुमको अलग करें। तो मैं वीडियो के माध्यम से ये मेरी बेटी को बोलूँगी, हैप्पी बर्थडे मामा, बहुत भल ले रहो, भल रही है, और आज बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं मेरी बेटी से आज बर्थडे में अलग हुई हूँ। तो ठीक है, वो मेरी दीदी के पास है, तो मुझे वो चीज़, उसकी दादी भी वहाँ पे हैं, सब लोग वहाँ पे हैं, तो वो चीज़ का मुझे गम तो है, लेकिन खुशी भी है कि वो अपनों के पास है,
और वो लोग भी उसका ऐसे ही पूरा स्पेशल की तरह मनाएंगे जैसे मैं यहाँ पे मनाती हूँ, और जैसे मैं नॉर्म मैंने मेरी बेटी का मनाती हूँ वो भी अपनी बेटी के लिए उतना ही करेंगे। उसका भाई है और मेरे जो जेठ जी के बेटे हैं वो सब कुछ वो पहले से ही तैयार कर देते हैं। तो थैंक यू गुल्लू, तो ऐसे ही उसका बर्थडे अच्छे से हो, अच्छे से अपना मैं बर्थडे उसके बर्थडे के दिन यही उसको मैंने यही उसको ब्लेस्ड करूँगी कि वो एक अच्छा, क्योंकि वो मेरी बड़ी बेटी है और आपको आप सभी को पता है कि घर का जो बड़ा होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर होता है, तो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इसीलिए मेरी बेटी को मैं तो हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी कभी किसी के पास नहीं झुके, वो उसी तरह से वो सब फ्रीडम पाए जिस तरह से उसको पाना चाहिए, वो लाइफ में कोई भी चीज़ को माने कोई भी चीज़ के लिए उसको ये ना हो कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर पाई, कि मेरे से नहीं हुआ, कि मैं नहीं खरीद पाई। उसको भगवान सभी तरह की कामयाब दे, वो हम हर कोई पेरेंट्स चाहता है। तो मैं भी उस पेरेंट्स में से एक हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी अच्छे से रहे, जहाँ मेरी दोनों बेटी हैं तो मैं यही चाहूँगी कि मेरी दोनों बेटी जहाँ पे भी रहे अच्छे से रहें। तो आप लोग प्लीज़ विश करिएगा, और उसका बर्थडे कल है तो ये रात का मेरा वीडियो है, तो पता नहीं आज रात को किसी को पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। तो इतना कह के ही मैं विदा लेती हूँ, और मेरे मन में ये था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो हर कोई बच्चे का जिसका भी बर्थडे है तो सभी बच्चे को हैप्पी बर्थडे बच्चे, और सब लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहे। जय माता दी, जय जगन्नाथ।